से खबर है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप पर बुलडोजर एक्शन के बाद अटाला में दुकानदारों में दहशत देखने को मिल रही है। दुकानदार बुलडोजर की कार्रवाई से दुकान से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बुलडोजर चला और जो दुकानदार हैं वो अब अपनी दुकान खाली कर रहे हैं। तो यहां पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब बुलडोजर चला उसके बाद अब जो यहां पर दुकानदार हैं उनमें खलबली मची हुई है। सामान निकाल रहे हैं। देखिए, जिस तरह जावेद मोहम्मद के घर को गिराया गया था आपने देखा करेली के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को प्रशासन हटा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ कुछ दुकानें हैं, थोड़ी सी गहमागहमी बढ़ गई है क्योंकि बुलडोजर चलने की खबर है कि बुलडोजर चल सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि वो भी अपना सामान, जरूरी सामान है वो दुकानों से निकाल रहे हैं। ये आप अपना जरूरी सामान निकाल रहे हैं? हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा आगे से सामान। नोटिस दिया है? नहीं, नोटिस ऐसी कुछ नहीं आई है, सिर्फ ये मार्केट में ऐसी कुछ अफवाह है कि इस तरीके का कुछ कार्रवाई हो सकता है। तो अपना जो नुकसान वाला सामान है, नुकसान कर देगा जो, तो वो हटाया जा रहा है, वो हटा रहे हैं आप। लेकिन क्या यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है क्या नाले पर या कुछ इस तरह? अतिक्रमण ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अतिक्रमण में, जो आगे का आप जिस रोड पे आप खड़े हैं ये चीज है, लेकिन ये जो हम लोगों का है ये लीगल है। हाँ, लेकिन अब जैसे टीन है आगे निकला हुआ, आप टीन को नोचेंगे तो हमारा दीवार भी हिल सकता है। तो ये चीज, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है वो तो नहीं देखता ना कि किस पे चल रहा है, वो तो टीन हटाएंगे नुकसान मेरा नीचे हो जाएगा, यानी नुकसान का एक डर है। हाँ, नुकसान के डर की वजह से। तो आपको देखिए, हम तस्वीरें दिखा दें एक बार कि नुकसान की डर की वजह से, क्योंकि खबरें हैं कि बुलडोजर चल जाए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये बाहर में जो बनाए गए हैं ये चीजें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान है ये हो सकता है कि बुलडोजर चलने की बात, जिस तरह चर्चाएं थी कि प्रशासन बुलडोजर चला सकता है, इसलिए लोग यहाँ थोड़ा बहुत सामान निकाल रहे हैं जो दुकानदार हैं, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा एक दहशत बनी हुई है कि कहीं बुलडोजर अगर यहाँ चल जाता है तो उसके बाद यहाँ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। आप एक बार फिर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सामान को निकाला जा रहा है कि आखिरकार कि अपना जरूरी सामान निकालें, क्योंकि ये दुकान इन लोगों की किराए पर है तो इनको खतरा है, डर है कि अगर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया तो ये उनका जो कीमती सामान है उसका नुकसान हो सकता है, और इसी वजह से यहाँ से बुलडोजर चलने के डर से अपनी दुकानों को लोग खाली कर रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और जयप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रयागराज में इस वक्त क्या माहौल है। देखा हमने जयप्रकाश आपकी रिपोर्ट, यहाँ पर क्या संभावना है क्या कि बुलडोजर चल सकता है यहाँ पर भी? देखिए, जिस तरह जुमे की नमाज के बाद जब हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि जावेद मोहम्मद के घर को पुलिस प्रशासन की तरफ से कल ढा दिया गया। अब उसके बाद लोगों में बहुत खौफ है क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि शनिवार के दिन, जिस जगह मैं खड़ा हूं आपको दिखा दूं, पहले हिंसा वाली जगह दिखाता हूं कि जो हिंसा हुई थी वो उस जगह हुई थी जो आप इधर आप देखेंगे, दर्शक देखेंगे, जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं पेट्रोल पंप से आगे, लेकिन ये जो मार्केट है ये लोगों की जो भीड़ थी, क्योंकि देखिए जो गली है यहां से अटाला मस्जिद की गली आप देखेंगे, ये अटाला मस्जिद के लिए जाती है गली, तो भीड़ जो निकल कर गई थी वो आगे जमा हुई थी, लेकिन यहाँ लोगों में देखिए थोड़ा सा खौफ बन गया है। जब से जावेद मोहम्मद के घर को गिराया गया उसके बाद से लोगों में इसलिए खौफ बन गया है कि कहीं बुलडोजर ना चल जाए, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम आपको बता दें कि घटना के बाद शनिवार के दिन पूरा मुआयना करके गई थी, हो सकता है कि दुकानों के आगे जो अतिक्रमण है उसको गिरा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। इसी डर से आप देखिए दुकानों को खाली कर दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना किराया देकर यहां दुकान चलाते, लेकिन इनको डर है कि कहीं अगर बुलडोजर चल गया तो उनके मकान का नुकसान हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए देखिए लोग यहां से धीरे धीरे करके अपनी जो कीमती सामान है, जरूरी जो सामान है उनको खाली कर रहे हैं। चाचा जी, हमारे चाचा जी, तो क्या कभी कोई नोटिस दिया नहीं सर निकाल नहीं रहे। हम लोग अपने एहतियातन की तीन थोड़ा आगे हम लोग की सेट है, हो सकता है प्रशासन अगर ने चाहा निकालने के लिए, हालांकि कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिली, क्योंकि स्कूल कैंपस की जगह है, अगर प्रशासन नोटिस देते भी हैं तो स्कूल कैंपस में जाएगा पहले, अगर वो हम लोग को बताते हैं
तो फिर सामान क्यों हटाया जा रहा? सामान सर इसलिए एहतियातन हटा रहे हैं, अगर कैंपस वाले ना बता पाए हम लोगों को कोई वजह से, मानिए मोबाइल आजकल नेटवर्क की वजह से स्विच ऑफ भी बता दे रहा है कुछ कुछ, तो हम लोग एहतियातन अपना सामान पीछे कर दिए हैं और हटा भी दिए हैं ताकि हम लोग को नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग को चार दिन से ऑलरेडी दुकानें बंद चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बवाल होता है, हिंसा होती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों को होता है या दुकानदार को होता है, क्योंकि उनकी दुकान। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें हमको दिखाने के लिए। और यहाँ पर जयप्रकाश बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्रयागराज में असल तस्वीर है ग्राउंड।